आपका पहला सवाल है, भारत में चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं ए आगरा, बी कानपुर, सी चंडीगढ़, डी गोरखपुर। आपका आंसर है ए आगरा। आपका दूसरा सवाल है, देश के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए जापान में, बी बांग्लादेश में, सी अमेरिका में, डी न्यूजीलैंड में। आपका आंसर है सी अमेरिका में। आपका तीसरा सवाल है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए गोवा, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी मिजोरम। आपका आंसर है बी सिक्किम। आपका चौथा सवाल है, इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करता है? आपके ऑप्शन हैं ए सांप, बी कछुआ, सी नेवला, डी खरगोश। आपका आंसर है डी खरगोश। आपका पांचवा सवाल है, इनमें से कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? आपके ऑप्शन हैं ए पालक, बी आलू, सी गाजर, डी लौकी। आपका आंसर है ए पालक। आपका छठा सवाल है, दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा होता है? आपके ऑप्शन हैं ए केला, बी खजूर, सी बेलपत्र, डी नारियल। आपका आंसर है सी बेलपत्र। आपका सातवां सवाल है, इनमें से किस जानवर को भूकंप आने से पहले ही उसका पता चल जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए सांप को, बी मछली को, सी भैंस को, डी ऊंट को। आपका आंसर है बी मछली को। आपका आठवां सवाल है, बाघ से पहले जंगल का राजा कौन सा जानवर था? आपके ऑप्शन हैं ए हाथी, बी तेंदुआ, सी भालू, डी हिरण। आपका आंसर है ए हाथी। आपका नौवां सवाल है, वह कौन सा पेड़ है जिस पर केवल एक बार ही फल लगता है? आपके ऑप्शन हैं ए जामुन का, बी केले का, सी अमरूद का, डी नारियल का। आपका आंसर है बी केले का। आपका दसवां सवाल है, इनमें से किस महापुरुष की वजह से भारत में परमाणु बम बनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए गांधी जी, बी नेहरू जी, सी सरदार पटेल, डी अब्दुल कलाम। आपका आंसर है डी अब्दुल कलाम। आपका ग्यारहवां सवाल है, इंडिया गेट भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए दिल्ली में, बी महाराष्ट्र में, सी उत्तर प्रदेश में, डी राजस्थान में। आप सभी लोग इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।